कोसी कला सामूहिक सर्वजातीय गोद सगाई कार्यक्रम हुआ आयोजित। रविवार को कस्बा कोसी कला में ब्रज प्रभात सेवा संस्थान के तत्वाधान में 63 हिंदू सर्वजातीय सामूहिक वर वधुओं के लगन सगाई कार्यक्रम का आयोजन हाईवे स्थित एक कॉलोनी में किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उप जिलाधिकारी नितिन गौड़ एवं गाजियाबाद की उप जिलाधिकारी सौम्या गाट कुश्ती संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल किशोर वाष्णेय ने भगवान श्री जी की प्रतिमा के समक्ष वैदिक मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम शुभारंभ के बाद संस्थान के अध्यक्ष कन्हैया लाल गोयल ने सभी मुख्य अतिथियों का दुपट्टा और तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर संस्थान के पुरोहित के द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ लगन सगाई कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस दौरान कार्यक्रम में संस्थान के महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्रज प्रभात सेवा संस्थान के बैनर तले प्रथम बार यह कार्यक्रम किया गया, जिसकी लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की। कार्यक्रम के बारे में मुख्य अतिथि रहे उप जिलाधिकारी नितिन गौड़ एवं कुश्ती संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल किशोर वाष्णेय ने जानकारी दी। जोड़े जिनका 30 तारीख को मेन विवाह का कार्यक्रम है, आज आपकी गोद भराई की रस्म है, आपने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया और मुझे इसमें शामिल होने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और इधर मेरी वाइफ सौम्या भी आई हुई हैं, वो गाज़ियाबाद से आई हैं और ख़ास इसी फंक्शन के लिए, लेकिन अभी जल्दी निकलना पड़ रहा है। और आप सबको पुनः मेरी और मेरी वाइफ सौम्या की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके मंगलमय जीवन की शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही आनंदमय तरीके से व्यतीत हो। धन्यवाद। इतना बड़ा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये कौन सी संस्था के द्वारा है? ये कार्यक्रम ब्रज सेवा संस्थान, जिसका गठन अभी पिछले 6 महीने पहले हुआ है। ये प्रथम कार्यक्रम दीपावली महोत्सव गरीब परिवारों के बीच में मनाया। द्वितीय कार्यक्रम गरीब बस्तियों में कपड़ों का वितरण करके मनाया। ये तृतीय कार्यक्रम आप देख रहे हैं ब्रज सेवा संस्थान के द्वारा 63 पर बंधुओं का आज जो है लगन और गोद भराई का कार्यक्रम है और बहुत अच्छी तरीके से ये संपन्न हो रहा है। कितनी कन्याओं का है? 63 कन्याओं का। 63 कन्याओं, इसमें क्या कोई मुख्य अतिथि या किसी संस्था की सेवा या कुछ ऐसा कुछ है? आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी श्री नितिन गौड़ जी रहे, अपनी धर्मपत्नी सौम्या जी के साथ में, वो भी उप जिलाधिकारी गाजियाबाद हैं। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बर बंधुओं को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, जैसे कि हम लोग मतलब ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो उन लोगों को क्या संदेश देना? हम लोग कोसी कला के सभी दानदाताओं का, भामाशाहों का, वैसे तो कोसी में काफ़ी सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं और उन पर सब पे आशीर्वाद रहता है। अभी दो एक कार्यक्रम प्रभात जागृति मंच के द्वारा भी 25 फरवरी को वो भी गरीब बेटियों की शादी का संपन्न होगा गांधी पार्क के ग्राउंड में, गांधी चिकित्सालय ग्राउंड में। तो अब ये शादी कब है इनकी? ये 25 फरवरी की है, श्री कोकलावन धाम में।